नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद की सोसाइटी में करप्शन और अन्य समस्याओं को लेकर हमने वकील सतिंदर सिंह दुग्गल से बातचीत की, सुनिए। वकील साहब, एक बहुत बड़ी जो समस्या है, कई लोगों को पता नहीं है कि सोसाइटी में फंड कैसे कलेक्ट किए जाते हैं और उन फंड्स का मिसयूज कैसे किया जाता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। और ऐसी चर्चा है कि वहाँ एक तरह से फ्लैट भले ही आपका है लेकिन आपको 8-10 हज़ार रुपये तो ले ही लेते हैं किसी न किसी तरह से, मेंटेनेंस के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, बागवानी के नाम पे, फलाना के नाम पे और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। 8-10 हज़ार रुपये तो आपके हर महीने जाने ही जाने हैं और उसी पैसे का मिसयूज़ किया जाता है, तो थोड़ा सा बताइए इस बारे में। ठीक है, देखिए, अगर कोई आदमी वहाँ पर फैमिली अगर फ्लैट लेकर रह रही है तो जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्ज है या जो भी दीगर चार्ज है वो तो देना पड़ेगा उस व्यक्ति को, किसी को भी देने में कोई दिक्कत नहीं है। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स जब आप आंखों के सामने अपने पैसे को लूटता हुआ देखते हुए। यही व्यक्ति जिसकी मैं आपको बता रहा था, ये ठेकेदारों से सांठ काट करता है, आरडब्ल्यूज के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, उनके इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, उनके इलेक्शन को इन्फ्लुएंस इसलिए करता है कि उसके ठेकेदार वहां लगे। आज भी कई सोसाइटी जिनके हमारे पास लिस्ट है, हमारे जो काफी जो आरडब्ल्यू के जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ऑफिस बिलर्स रह चुके हैं, उन्होंने हमारे पास में इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इस बंदे का आराम से, इस आदमी का आराम से प्रोसिक्यूशन हो सकता है। अगर वो अब ठेकेदार एक रजिस्ट्रार के ऑफिस से किसी का इन्फ्लुएंस लेके लगेगा तो आप क्या सोचते हैं, वहां भी तो वो पैसे देके आया होगा और यहाँ भी उस पैसे की भरपाई करेगा वो। इस तरीके से जो कॉमन आदमी जो रह रहा है उसको सेवा नहीं मिलेगी। अगर वो, अगर मान लीजिए कोई उसमें कोई वहां क्राइम हो जाता है तो यही लोग उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब ये था, आदमी जो है 8-10 हज़ार रुपए देता है और वो पैसे डेवलपमेंट में ना लगने के बजाय किसी की जेब में जा रहे हैं। बिल्कुल, इनडायरेक्टली जा रहे हैं। तो जैसे कॉन्ड्यूट, हम एक डायग्राम बना सकते हैं कि वो पैसा कैसे एक एक आम आदमी के जेब से निकाला जाता है, जो कि ईएमआई भी दे रहा है। हाँ, उसके पास से वो पैसा निकाला जाता है, वो कैसे वो उसके थ्रू जो है वो किसी एक खास दागी अफसर के जेब में या कॉन्ट्रैक्टर के जेब में जाता है, नाजायज तरीके से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट होकर फाइट करने की जरूरत है। हाँ, अगर लोग एकजुट होंगे, एकजुट होकर फाइट करेंगे, जो आपने संस्थाएं बना रखी है, चाहे नहर पार विकास मोर्चा हो या ग्रेटर फरीदाबाद कन्फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएस हो, अगर आप संस्थाओं से जुड़कर अपनी समस्याओं के लिए फाइट करते हैं तो जो आपके पैसे किसी की जेब में जा रहे हैं, कोई लूट रहा है, वो लूट बच जाएगी और जो पैसे डेवलपमेंट में, मेंटेनेंस में लगने चाहिए वो पैसे उसी में लगेंगे। मैं 2 मिनट और लूंगा। ग्रेटर फरीदाबाद कन्फेडरेशन ऑफ जो आरडब्ल्यूज है, ये तो मैंने आपको एक ही बात बताई, इसके अलावा कई और इश्यूज हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व है, जैसे ऑक्यूपेंसी के हैं, सीवेज के हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के हैं, ग्रैब के हैं, परिवहन के प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। But we are trying to tackle it one by one with the help of all the honorable residents and office bearers जो कि इस संस्थाओं, इन विभिन्न संस्थाओं से 2013 बल्कि 2012 से आज तक जुड़े हुए, हम सबको इकट्ठा करके और इन इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वकील साहब, एक चीज और सुनने में आया है, जो RWAs होता है, पब्लिक उनको सेलेक्ट करती है जो प्रेसिडेंट होते हैं, और कई बार देखने में आता है जो MLA हैं या कोई लीडर है वो उनको इन्फ्लुएंस कर लेता है, तो वो जो है उसी की बात मानते हैं और वहाँ के जो रेजिडेंट्स है उसकी उनकी बात नहीं मानते, तो इस समस्या को आप कैसे दूर करें? ऐसा है कि जो भी हमारे ऑनरेबल इलेक्टेड लीडर्स हैं पब्लिक लाइजन तो उनका काम है। मैं ये नहीं मानता कि वो जानबूझ के कोई काम कर रहे हैं, उनको जैसी पिक्चर दी जाती है वो वैसा करते हैं। तो हमको ऐसे आदमी आइडेंटिफाई करने चाहिए सोसाइटी में जो कि इन नेताओं को गुमराह करते हैं। जो नेता है वो किस लिए बना है? वो वेलफेयर के लिए बना है। अगर उसको सही आदमी सही टाइम पर सही दिक्कत बताएगा, सही तरीके से बताएगा, तो जरूर 100% वो उसको सॉल्व करेंगे, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। पर वो गलत आदमी उनके पास पहुंचकर बताते हैं और इन गलत आदमियों के पास ज्यादा समय होता है, ज्यादा वक्त होता है। आम आदमी जो बेचारा 15वें फ्लोर पे रह रहा है, 12वें फ्लोर पे रह रहा है, वो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं और उनके पास तो समय ही नहीं है आरडब्ल्यू, वो कब नेता के पास जाएंगे? तो नेता जी तो उन्हीं की बात सुनेंगे जो लोग उनके पास में आए हैं। तो ये विडंबना है एक तरीके की। पर मैं नहीं मानता कि पॉलिटिकल लीडर जो है वो जानबूझ के ऐसा करते हैं।
तो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि अच्छे लीडर सेलेक्ट करें, अच्छे इलेक्ट करें, ताकि वो उनकी बात माने और उनकी समस्याओं का समाधान करें। ठीक है वकील साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आगे बातचीत करते रहेंगे, नए बार की समस्याओं को उठाते रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू।